ले रहा हूं सीनियर पुलिस ऑफिसर है तेरे बाप का नौकर नहीं तमीज से बात करने का। भाऊ तेरे को लगता है तू अपनी वर्दी की आकर दिखा के यहाँ से जिंदा निकल जाएगा? दावड़े हाँ सर। कोई भी बीच में आएगा तो सीधा इधर ठोकने का, इधर मधोमत डायरेक्ट, माझी ऑर्डर है, समझ रहा? ओके सर। अपने आदमी लोग का दम मेरे को मत दिखा दुरुआ, बचपन में एक बोतल फोड़ के सबको हिला डाला था मैं, याद है कुछ? शिवगढ़ संगम टॉकीज। हाँ मैं वही छोटा लड़का है जिसको बोला था तू एक दिन बड़ा धमाका करेगा। आज बोतल नहीं लाया लेकिन धमाका बड़ा कर सकता है। उस दिन बच्चा समझ के छोड़ दिया, वही गलती किया, आज नहीं करेगा। बाबा ए भले रहो। आई तेरे को मालूम है सदा और गिरी ने? आई एक मिनट। तू जब आई बनी बहुत खुश हुई होगी ना, तीन तीन बेटे मर्द पैदा किए करके। ये भी सोची होगी अच्छा हुआ बेटी नहीं हुई, बेटी क्या करेगी, बेटे पढ़ो के नाम रोशन करेंगे। देख ले आइए आज मुंह काला कर दिया तेरे बेटों ने। आई एक लड़की का रेप किए और फिर उसका मर्डर किए, मासूम लड़की थी 19 साल की। लेकिन तू फिकर मत कर, मैं भी तेरा बेटा है ना, मैं करेगा तेरा नाम रोशन। आई शपथ इन दोनों को सजा दिला के रहेगा मैं। दौड़े सर, दो गन्ना जीप में देखा चले सर, जाए ना साहब बोलकर क्या कि जलम देखते। दुर्वा ये भालेराव क्या सच बोल रहा था? नहीं आई, पैसे का लालच फंसा रहे हैं सदार गिरी को। तू घबरा ना को मियां है ना। चला हट्टा का सिम्बा, सिम्बा एक मिनट बात करनी है, ये छोड़ना है, छोड़। अपने पप पे आके वो लड़की सब रिकॉर्ड कर रही थी, हमने पकड़ा है उसको, कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन फिर उल्टा सीधा बात करने लगी, मुझे लाफा मारा, इस पे बोतल फोड़ा है उसने। चायला एवड़ी सी पोरगी हम चावर हाथ उचलते, ईगो हर्ट हुआ अपना। ईगो हर्ट हो गया? ईगो निकालता है अभी मैं तेरा ईगो। सर लड़की ने हाथ उठाया तो उसका रेप करने का, अभी निकलवाता मैं तुम लोग का ईगो। चला वर्षा दीप्ति गौरी मैडम जरा निकालो इन लोग का ईगो। नहीं तुझा ईगो काढून तुझ्या हातात दिला ना तर नावाची पोलीस नाही मी। उठा अभी अपना ईगो, दिखा तेरे को मत बनने का था ना, दिखा चल दे उसको दे। क्या किधर गया तेरा मतलबी, किधर गया अरे मतलबी किधर दे। बहुत बड़ा मर्द है ना सर, चल
जोशी जी कैसे आप? बस ठीक हो? अरे छाए हुए आप मीडिया मीडिया में। अरे बस यू ही। प्रोसिक्यूशन हैज सबमिटेड टू द कोर्ट मेडिकल रिपोर्ट्स ऑफ द विक्टिम आकृति दवे नाउ डिसीज्ड और अनिकेत मोरे उर्फ छोटू 11 साल का बच्चा विटनेस। बुलाइए उसको। हाँ मैडम, वो सुबह से उसका पता नहीं चला है, हम ढूंढ रहे हैं उसे। ढूंढ रहे हैं मंजे? हॉस्टाइल हो गया विटनेस? कहाँ है भाले राव? क्या करते क्या है आप लोग? लिहा द विटनेस इन द ओ उसने हाथ आई सलाना। द विटनेस इन द केस अनिकेत मोरे इन द ब्रैकेट छोटू एज 11 इयर्स टर्न्ड हॉस्टाइल बिफोर द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द केस। पुलिस रिपोर्ट में लिखा है आकृति दवे का कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है असॉल्ट का, दाखवा। यह सीडी जगह खरा नहीं, पेनड्राइव है का? हाँ हाँ मैडम लगाइए। इज दिस अ जोक? सीडी और पेनड्राइव चेक करके नहीं लाए थे? उसमें डेटा था मैडम। था मंजे? अपने आप ब्लैंक हो गया? मैडम किसी ने एविडेंस के साथ टेम्पर किया। अच्छा बोर मैं कौन करेगा ऐसे? पुलिस के रिकॉर्ड रूम में रहता है ना एविडेंस, तो टैंपर कौन करेगा? इंस्पेक्टर भालेराव दिस इज अ हीनियस क्राइम ऑफ रेप एंड मर्डर, प्लीज बी सीरियस। या जोशी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक रेप 22 सितंबर की रात को हुआ, लेकिन सदाशिव और गौरव रानड़े उस रात उस पब में नहीं थे मैडम। वो दोनों भाई कॉरपोरेटर डेविड कैमरॉन जी के साथ उनके फार्म हाउस पर गए थे। एज अ विटनेस क्या मैं कॉरपोरेटर साहब को विटनेस बॉक्स में बुला सकता हूं मैडम? थैंक यू मैडम। 22 सितंबर की शाम को 7 बजे से ये दोनों मेरे साथ ही थे मेरे फार्म हाउस पे। बहुत दिनों बाद मिले थे हम लोग, तो बात करते करते बहुत देर हो गया रात में, तो इनफैक्ट मैंने ड्रॉप किया इनको। थैंक यू कैमरा जी। ये झूठ है मैडम। 22 तारीख की रात को ये दोनों भी उनके ही क्लब डिवाइन में थे, जहां रात को रेव पार्टीज होती है और दिन में बच्चों के स्कूल बैग्स में ड्रग्स डालकर स्मगलिंग का धंधा किया जाता है। उस रात जब आकृति छोटू के साथ वहां पहुंची तो उसने सब देख लिया, और जब इन्होंने आकृति को अपने फोन पर सब रिकॉर्ड करते हुए देख लिया तो उन दोनों के बीच झड़प हो गई। आकृति ने जब पुलिस के पास जाने की धमकी दी तो इन दोनों को गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने आकृति का रेप कर दिया। दे रेप फेल इन द फीट ऑफ रेज मैडम। एक मिनट मैडम, पुलिस को ड्रग्स से रिलेटेड वहां कोई सबूत मिला नहीं, और इस बात का भी कोई सबूत नहीं कि रेप डिवाइन पब के प्रीमाइसेस में हुआ था। यह है पुलिस की रिपोर्ट। मैडम मेरे क्लाइंट को इजी टारगेट समझकर फंसाया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है। मैडम इन्होंने खुद पुलिस के सामने एडमिट किया है कि इन्होंने ही आकृति दवे का रेप किया है। हेलो इंस्पेक्टर संग्राम भालेराव, फॉर योर कैंड इन्फॉर्मेशन, कोर्ट में पुलिस को दी गई स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं होती है। आई नो मैडम अपने जॉब के प्रति ये ज्यादा सीरियस नहीं रहते मैं जानता हूं, लेकिन कम से कम इतना तो आपको मालूम होना चाहिए था ना। कोर्ट नीड्स एविडेंस। मैडम मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमें अगली तारीख दे दे, हम एविडेंस लेकर आएंगे। मैडम किस बेसिस पर अगली डेट मांग रहे हो? तुम्हारे पास ना कोई सीसीटीवी फुटेज है, ना कोई विटनेस है, ना कोई प्रूफ है, तो फिर किस बेसिस पर ये मेरे क्लाइंट को एक्यूज करना चाह रहा है संग्राम भालेराव? मैं बताता हूं कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अपना पर्सनल खुन्नस निकल रहा है मैडम, बाकी कुछ भी नहीं है। मीरामार पुलिस स्टेशन में अपने ड्यूटी के पहले ही दिन पहुंच गए सदाशिव और गौरव रानड़े के पब में, जबकि वो पब इनके ज्यूरिसडिक्शन के अंडर में नहीं आता। क्यों? एक्सटॉर्शन मैडम, एक्सटॉर्शन। सदाशिव और गौरव रानड़े ने संग्राम भालेराव को जब हफ्ता देने से इनकार कर दिया तो ये बात ये जो भाई साहब डाइजेस्ट नहीं कर पाए मैडम, और आकृति दवे का जब रेप हुआ तो इंस्पेक्टर संग्राम भालेराव ने मेरे क्लाइंट को रेप और मर्डर के इल्जाम में इस केस में फंसा दिया मैडम। क्यों? तो सिर्फ बात ना। मैडम एक मिनट, मेरे को कुछ बोलने का है। मैडम वो दिल्ली का निर्भया केस तो याद ही रहेगा आपको, आप सभी को। मैडम वो रेप हुआ था 16 दिसंबर 2012 को, 2012। उस वक्त पूरा देश एक हो गया था, सब खड़े हो गए थे इंसाफ के लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके अगले ही साल 2013 में अपने देश में 33,707 रेप, 2014 में 36,735 रेप, 15 में 34,651 रेप,
2016 में 38,937 रेप।